तो एमसीडी चोणां दे नतीजे आने शुरू हो गए ने, 10 सीटां दे नतीजे आ चुके ने। दिल्ली निगम चोणां स्वागत करता ही है अपना, उसके कार्यकर्ता करते हैं तो वो सबके यहाँ है, वो तो कांग्रेस के यहाँ भी होगा, ऐसा थोड़ी उसके यहाँ नहीं है। जब तक 3 न बज जाए, कम से कम 12 बजने तक तो जरूर इंतजार करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लड्डू भी बने होंगे सबके, लेकिन आज महत्वपूर्ण देखना यह है कि इस कांटे की टक्कर में जीत किसकी होती है। लेकिन एक प्रकार से आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है, और वो है, वो कहते थे हम 220 सीट लाएंगे। ऐसी थंपिंग मेजोरिटी का दावा करने वाले लोग आज किधर बैठे हैं उनका चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि जनता ने नहीं कहा कि तुम इतने आगे हो दिल्ली में, आप अब किसी भी समय बीजेपी से परमानेंट परास्त हो सकते हो। देखो ये नजर आए कि बीजेपी ही जित हासिल करेगी, 10 सीटों के नतीजे सामने आ चुके ने, लगातार ये नतीजे सामने आ रहे ने। बीजेपी ने 6 सीटों पर जित दर्ज की है, तो आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जित दर्ज की है। 10 सीटों के नतीजे सामने आ चुके ने, आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जित दर्ज की है, उथे ही बीजेपी ने 6 सीटों पर जित दर्ज की है। तो दिल्ली दे दिल विच की है अजे तस्वीर, कुछ ही देर विच साफ हो जाएगी। बीजेपी ने 6 सीटों पर जित दर्ज कर ली है, तो उथे ही आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जित दर्ज की है। उथे जेकर रुझाना की गल की जाए तो आम आदमी पार्टी ने बहुमत का अंकड़ा पार कर लिया, तो जो फासला है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का वो लगातार वधदा ही जा रहा है। जो पहला एक फसवीं टक्कर होगी सी, वो हुण फासला वध रहा है। बीजेपी जो है पिछे हो गई है, तो उत्थे ही आम आदमी पार्टी ने बहुमत का अंकड़ा पार कर लिया है। तो बीजेपी ने 11 सीटों पर जित दर्ज कर ली है, नतीजों की इतने गल कर रहे हैं। बीजेपी ने 11 सीटों पर जित दर्ज कर ली है, उत्थे आम आदमी पार्टी ने 6 सीटों पर जित दर्ज की है। इतने भी ज़्यादा जो है फासला नजर नहीं आ रहा, बीजेपी ने 11 सीटों पर जित दर्ज की है, उत्थे आम आदमी पार्टी ने 6 सीटों पर दर्ज कर ली है जित। तो फसवां मुकाबला हुण जदों नतीजे सामने आने शुरू हो गए ने, उस विच भी नज़र आ रहा है। और आम आदमी पार्टी को अपने जो पीछे अपने समय में जो जिसने दिल्ली को इतना तकलीफ दिया है, आज देखिए दिल्ली इतनी गैस चैम्बर बनी है कि सारी गाड़ियां रातों रात बैन हो गई, डीजल गाड़ियों से आप नहीं चल सकते। ये दंश कब तक झेलती रहेगी दिल्ली? तो ये सब मुझे लगता है कि दिल्ली अपना जनमत बीजेपी के पक्ष में देगी, मगर अब इस समय किसी बात का कोई मतलब है नहीं जी। अब जो भी जनता का जनादेश होगा वो सिर माथे पे। अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ फूल लाया जा रहा है, जश्न की तैयारियां हो रही हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी एमसीडी में? नहीं, हमारे यहाँ भी भरा हुआ है, हमारे यहाँ भी बहुत भरा है, और निश्चित रूप से जो जीतता है वो फूलों से स्वागत करता ही है अपना, उसके कार्यकर्ता करते हैं तो वो सबके यहाँ है, वो तो कांग्रेस के यहाँ भी होगा, ऐसा थोड़ी उसके यहाँ नहीं है। जब तक 3 न बज जाए, कम से कम 12 बजने तक तो जरूर इंतजार करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लड्डू भी बने होंगे सबके, लेकिन आज महत्वपूर्ण देखना ये है कि इस कांटे की टक्कर में जीत किसकी होती है। लेकिन एक प्रकार से आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है, और वो है, वो कहते थे हम 220 सीट लाएंगे। ऐसी थंपिंग मेजोरिटी का दावा करने वाले लोग आज किधर बैठे हैं उनका चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि जनता ने नहीं कहा कि तुम इतने आगे हो दिल्ली में, आप अब किसी भी समय बीजेपी से परमानेंट परास्त हो सकते हो। आम आदमी पार्टी नूं चुनौती देंदे हुए बीजेपी दे आगू नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने एक सीट ते जित दर्ज कर ली है, कांग्रेस का खाता भी खुल गया है दिल्ली एमसीडी चोणां दे विच। कांग्रेस ने एक सीट ते जित दर्ज कर ली है, उत्थे बीजेपी ने 11 सीटां ते जित दर्ज कर ली है। साडे सहयोगी हरप्रीत लगातार साडे नाल जुड़े ने। हरप्रीत, कांग्रेस का भी हुण खाता खुल गया, एक सीट ते कांग्रेस ने जित दर्ज कर ली है। उत्थे जेकर गल की जाए भाजपा अते आम आदमी पार्टी की, उन्हां दा नतीजियां दौरान भी जो है फसवां मुकाबला नजर आ रहा है जी। बिल्कुल, देखो अजे तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक, तो जो नतीजे सामने आ रहे हैं, ये मामला अजे तक फसदा हुआ नज़र आ रहा है। 10 सीटा
बीजेपी के 6 ते आम आदमी पार्टी ने जित हासिल की है, जो अजे तक साढ़े को जानकारी आ रही है इस दे मुताबक अजे तक 10 सीटा ते भाजपा, 6 ते आम आदमी पार्टी, जो रुझान ने 107 ते बीजेपी ते 127 ते आम आदमी पार्टी, 11 ते कांग्रेस, कांग्रेस ने दहाई का आंकड़ा छू लिया, कांग्रेस वास्ते एक वड्डी चीज़ है, 5 ते अदर्स जिहड़े ने जिहड़े अन्ने ने वो 5 ते चल रहे ने। आम आदमी बीजेपी के जिहड़े सूबे के प्रधान ने दिल्ली के आदेश गुप्ता वो भी इस दफ्तर पहुँच चुके ने, वो भी अंदर मौजूद ने, प्रेस नाल अंदर गल कर रहे ने वो भी इस वेले। तो यह जाहिर तौर पर कि जिस तरीके के नतीजे रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है कि असी इस चुनाव में जितने जा रहे हैं, असी इस चुनाव में जित रहे हैं, मेयर साडा होएगा। लेकिन अजे मुकाबला क्योंकि फसवा होया नज़र आ रहा, अजे मुकाबला थोड़ा फसदा होया नज़र आ रहा, थोड़ा इंतजार होर करना होएगा, तो उस तो बाद तस्वीर साफ होएगी। एक सीट अजे तक निर्दलीय ने भी जीती है, जो सानू जानकारी मिल रही है सीलमपुर तो एक सीट जी निर्दलीय ने जीती है। तो नतीजे हुण क्योंकि ज़्यादा मैनू लगता है कि ज़्यादा हैरान करन वाले रहन वाले ने, क्योंकि जिस तरीके कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल दे विच एक तरफा होएगा, आम आदमी पार्टी नू काफ़ी ज़्यादा बढ़त दिखाई दे रही थी, उन्नी बढ़त नहीं दिखाई दे रही। इन्ना सौखा नहीं रहन वाला आम आदमी पार्टी वास्ते सत्ता नू इहदे च आम आदमी MCD दे विच रहना इन्ना सौखा नहीं रहेगा MCD आम आदमी पार्टी वास्ते। लेकिन BJP वास्ते एक जरूर सुकून की गल है कि 15 साल सत्ता च रहने तो बाद जेकर रिटेन करन च कामयाब हो रहे हैं, जेकर वो एक चंगा प्रदर्शन वाल जा रहे हैं, तो यह मन्या जाए कि BJP की नीतियां ते लोग उन्हां दा साथ देंदे हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी अहम चीज़ जिहड़ी इत्थे बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जिनी घट वोटेज परसेंटेज हुई सी इस वारी, उसका नुकसान आम आदमी पार्टी नू जरूर हुंदा होया नज़र आ रहा है। तो मन्या जाए कि BJP अपना वोटर जिहड़ा जिहड़ा अपना काडर है, उस वोटर नू बाहर कढ़न च कामयाब रही, तो उसनू अपने हक च वोट भुगतान च भी वह कामयाब रही। जो अजे तक तो रुझान नज़र आ रहे हैं, जो नतीजों वाली चीज़ा जा रही ने, उस चीज़ समझ आ रही है कि BJP अपने कार्डर वोटर नू कढ़न च कामयाब रही है। लेकिन इंतजार जी करना बिल्कुल हरप्रीत वेखना होगा केड़ी पार्टी दिल्ली दे दिल विच उतरगी ते केड़ी पार्टी दिल्ली दे दिल चों बाहर उतरगी। तो फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। सो आम आदमी पार्टी ने 6 सीटों पर जित दर्ज कर लिया, उत ही BJP ने भी तकरीबन 11 सीटों पर जित दर्ज कर लिया, कांग्रेस ने 1 सीट पर जित दर्ज कर लिया। लगातार वोटों की गिनती जो है वो जारी है।